हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं नारजा, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरी चैनल में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि हाउ टू रीड डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं तो उस प्रिस्क्रिप्शन को हम कैसे पढ़ेंगे और उस प्रिस्क्रिप्शन को देखने के बाद हम कैसे पता लगाएं कि जो भी मेडिसिंस डॉक्टर ने लिखे हैं वो किस किस टाइम पे हमें लेनी है, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, दोपहर को लेनी है। सो गाइस, मैं एक एक करके आप लोग को बता के जाऊँगी। डॉक्टर जो होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, वो पूरा एक्सप्लेन नहीं करते। सो गाइस देखिए, अगर किसी भी मेडिसिंस के साथ में ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब होता है बिफोर मील, आपको वो मेडिसिंस खाना खाने से पहले ही लेनी है। बहुत सारे डॉक्टर से वो ऐसे लिखते हैं और बहुत सारे डॉक्टर से जो डायरेक्ट बिफोर मील लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पीसी। पीसी का मतलब होता है आफ्टर मील, आपको खाना खाने की बाद में वो मेडिसिंस लेनी है। फिर बाद में आता है एडी। एडी का मतलब होता है अल्टरनेट डे, एक दिन बीच में छोड़ छोड़ के आपको वो मेडिसिंस लेनी है। फिर बाद में आया बीडी। बीडी का मतलब होता है ट्वाइस इन डे, आपको एक दिन में दो बार वो मेडिसिंस लेनी है। फिर बाद में आया TDS या TID, इसका मतलब थ्री टाइम्स इन ए डे, आपको एक दिन में तीन टाइम वो मेडिसिंस लेनी है। फिर बाद में आया HS, अगर किसी भी मेडिसिंस के साथ में HS लिखा हुआ रहेगा, मतलब एट बेड टाइम, आपको सिर्फ सोने टाइम ही वो मेडिसिंस लेनी है। फिर बाद में OD, अगर किसी भी मेडिसिंस में OD लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब वंस ए डे, आपको एक दिन में एक ही बार वो मेडिसिंस लेनी है। और फिर बाद में आया OM, इसका मतलब होता है एवरी मॉर्निंग, आपको एवरी मॉर्निंग में वो मेडिसिंस लेनी है। फिर ON, अगर किसी मेडिसिंस में लिखा रहेगा तो इसका मतलब एवरी नाइट, आपको एवरी नाइट में वो मेडिसिंस लेनी है। फिर बाद में आया PRN, इसका मतलब होता है व्हेन नेसेसरी, आपको अगर अचानक से उस मेडिसिंस की ज़रूरत पड़ रही है तो उस टाइम पे आपको वो मेडिसिंस लेनी है, वो कंटिन्यू नहीं लेनी है। फिर बाद में आया QDS, मतलब फोर टाइम्स इन ए डे, आपको एक दिन में चार बार वो मेडिसिंस लेनी है। फिर बाद में आया सॉस। सॉस का मतलब इफ़ नेसेसरी, अगर अचानक से आपकी पेट दर्द होने लगता है या कुछ भी कंडीशन ऐसी आपकी बॉडी में आने लगता है तो उस कंडीशन में आप लोगी वो मेडिसिन। फिर बाद में IC का मतलब ड्यूरिंग मील, आपको खाना खाने टाइम ही वो मेडिसिंस लेनी है। अब आता है TIW, इसका मतलब थ्री टाइम्स इन ए वीक, आपको एक हफ्ते में तीन बार वो मेडिसिंस लेनी है। फिर बाद में आता है सिरप्स, अगर किसी भी प्रेस्क्रिप्शन में SYR लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब वो सिरप्स लिखा हुआ है। फिर बाद में आता है BID, इसका मतलब टू टाइम्स इन ए डे। फिर बाद में देखिए BBF, इसका मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट। फिर बाद में ABF, इसका मतलब आफ्टर ब्रेकफास्ट। फिर Q2H, एवरी टू आवर्स, इसका मतलब होता है आपको हर दो घंटे में वो मेडिसिंस लेनी है। फिर बाद में आता है Q3H, इसका मतलब एवरी थ्री आवर्स, आपको हर तीन घंटे में वो मेडिसिंस लेनी है। और इसके अलावा भी गाइस, जो भी मेडिसिंस होते हैं तो उनको शॉर्ट फॉर्म में भी बोला जाता है, जैसे कैप्सूल, टैबलेट, ऑइंटमेंट, सिरप्स, तो उन सबको अगर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो आप कैसे पहचानोगे। देखिए, अगर CAP लिखा हुआ रहता है सिर्फ तो आप समझ लेना कैप्सूल्स है। TAB लिखा रहता है मतलब टैबलेट है। IM लिखा रहता है मतलब इंट्रामस्कुलर। IB लिखा रहता है मतलब इंट्रावेनियस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई कि हाउ टू रीड डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ सकते हैं और उसको कैसे समझ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।